In this video, I will discuss about the most attractive places in Dubai and its neighborhood streets. For more details, keep watching this video till then. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाज़िर फैज़ फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। आज इस वीडियो में मैं आपसे यूएई की वो प्लेसेस के बारे में डिस्कस करूँगी जो कि मोस्ट विजिटिंग प्लेसेस हैं। सबसे पहले मैं दुबई की बात करूँगी। तो दुबई जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड शॉपिंग के लिए मशहूर है और टूरिज़म के लिए बहुत मशहूर है। इसमें जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगी वो इनके जो विजिटिंग प्लेसेस हैं उसके बारे में, और इनमें जो भी आपके फ़ी वगैरह जो आप चार्ज होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सबसे पहले द बिगेस्ट मॉल इन द वर्ल्ड, द दुबई मॉल के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। इस मॉल में जो है खासियत ये है इसकी, सबसे पहले कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉल अभी तक का है। इसमें आपके पास ऑल ओवर द वर्ल्ड बेस्ट जो आपके इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। उसके बाद आपके पास रेस्टोरेंट्स, आपके जो इंटरनेशनल लेवल के रेस्टोरेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं। उसके अलावा दुबई मॉल की जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि बहुत मशहूर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके बारे में डिस्कस करती हूँ। इसमें जो है दुबई एक्वेरियम है जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइप की फिशेस वगैरह होती हैं और आप अंडर द वाटर जाकर इसको विजिट करते हैं। इसमें आपकी एंट्री फी होती है जो कि अराउंड 300 दिरहम से स्टार्ट होती है और डिपेंड करता है, ये सीज़न टू सीज़न वेरी कर रही होती है। और इसके अलावा दुबई मॉल में आपके पास एक स्पॉट जो है डांसिंग फाउंटेन कहा जाता है, यहाँ पर आप इसको विजिट करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी विजिटर आते हैं इसको मस्ट विजिट करते हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट स्पॉट है वो है द बुर्जुल खलीफा, द मोस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। इसकी स्पेसिफिकेशन अगर आपको बता दूँ, यहाँ पे जो है दुबई में जितने भी विजिटर जाते हैं इसको मस्ट विजिट करते हैं। इसमें आपके पास डिफरेंट जो है इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स हैं, आपके पास फाइव स्टार होटल हैं, देन इसके जो एक स्पेसिफिकेशन जो इसकी फ्लोर्स हैं वो 162 टोटल फ्लोर्स हैं। अब जो दुबई में आपके पास एक और स्पॉट आ जाता है वो एमिरेट्स मॉल का आ जाता है। इसमें जो एक्टिविटीज़ वो ये हैं कि आपके पास आइस स्केटिंग की एक्टिविटी है जिसको बहुत ही स्पेशल डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा सा स्पॉट आपके साथ मैं शेयर करूँगी जो कि दुबई में बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस भी लगता है। इसका नाम है द मिरेकल। इसकी स्पेसिफिकेशन अगर आपको बता दूं तो यहाँ पर जो एक अच्छी चीज़ वो ये है कि आपको यहाँ पर 50 मिलियंस के फ्लावर्स अवेलेबल होते हैं और देन 250 मिलियंस के प्लांट्स यहाँ पर हैं। इसका जो दुबई में अगर आप विजिट करने जाते हैं तो इसमें ये है कि ये पूरा साल जो है ये ओपन नहीं होती प्लेस, इसका कुछ टाइम होता है जो कि अक्टूबर से स्टार्ट होता है और अप्रैल तक रहता है। अब मैं आपको दुबई की पोश एरियाज़ जो हैं उनके बारे में थोड़ी सी पॉइंट्स पॉइंट आउट करवा दूं। तो वहाँ पर जो आपके अच्छे विजिट के लिए जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं दुबई में, वो उसमें आपके पास मरीना वॉक आ जाता है, JBR बीच आ जाती है, और इसी के सराउंडिंग में आपके पास वर्ल्ड वाइड जो मशहूर होटल्स हैं रेस्टोरेंट्स हैं वो आ जाते हैं, जिसमें एक अटलांटिस होटल आ जाता है, देन आपके पास बुर्जुल अरब आ जाता है। और अगर बीचेस के बारे में बता दूं, जैसे कि आपको पता है कि जो भी दुबई में विजिट करने जाता है तो वो बीचेस को मस्ट विजिट करता है। इसमें मशहूर तरीन जो बीच है जो कि वर्ल्ड वाइड भी मशहूर है, JBR मरीना बीच आ जाती है, और यहाँ पर आप वाटर एक्टिविटीज़ इंजॉय कर सकते हैं जिसमें जेट्स की और जो आपके पास वाटर बोटिंग वगैरह आ जाती है। देन इसके ही सराउंडिंग में जो आपका ब्लू वाटर एरिया एक है जिसमें आपका जो मशहूर तरीन है दुबई आई, इसमें आप देखते हैं डिफरेंट आपके पास ब्रांड्स के रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, वहाँ पर अपना जो है एक प्रॉपर एक एनवायरनमेंट इंजॉय करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्पॉट है वो डेजर्ट सफारी का है, इसके बारे में प्रॉपर आपको गाइड करूँगी। इसमें अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो इसका प्रॉपर ये है कि आप ऑनलाइन इसकी बुकिंग करते हैं जिसमें आपको पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मिलती है, और उसके बाद आप डेजर्ट में जाते हैं जिसमें एक एडवेंचरस आपको राइड मिलती है, देन आप उसमें कैमल राइड होती है, उसके अलावा आपके फ़ोटोशूट वगैरह आप करते हैं, एक प्रॉपर एक जो एनवायरनमेंट होता है डेजर्ट वाला उसमें। देन यहाँ पर जो होता है आप प्रॉपर राइड्स वगैरह लेकर एक उनका स्पॉट होता है जहाँ पे सारे प्रॉपर जितने भी विजिटर्स आए होते हैं उनको वहाँ पर स्पॉट पे इकट्ठा किया जाता है। वहाँ पर आपके पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें फायर शो होता है और अरब का मशहूर डांस बैली डांस दिखाया जाता है। देन आपके पास फूड का प्रॉपर एक अरेंजमेंट होता है जो कि आप एक बफे लगता है, आप उसको इंजॉय करते हैं अपना मील, देन आपको वो जो है आपके जो पॉइंट होते हैं वहाँ पर ड्रॉप आउट कर देते हैं।
अब दुबई की मशहूर सोक मार्केट के बारे में मैं डिस्कस करूंगी आपके पास, जो एक अच्छा पॉइंट है जहां से मोस्टली जो विजिटर है जो गोल्ड का जो है बाइंग करते हैं। जैसा कि आपको पता है दुबई का गोल्ड बहुत ही मशहूर है, वहां पर सोक मार्केट में आप जाकर अपना प्रॉपर जो है एक बाइंग करते हैं गोल्ड की, वो आपके पास एक पॉइंट आ जाता है। देन आपके पास देरा मार्केट आ जाती है, यहाँ ये एक मार्केट है जहाँ पर आप चीप रेट्स पे हर चीज़ जो है अच्छी चीज़ें जो है बाइंग कर सकते हैं वहाँ पर। और अब मैं यूए की कैपिटल अबू धाबी के बारे में बात करूँगी। इसमें जो मशहूर आपके पास स्पॉट है वो है, वो आपके पास दो स्पॉट आ जाते हैं जिसमें दुनिया की बड़ी मस्जिद में से एक मस्जिद आपके पास ऐसा स्पॉट विजिट के लिए स्पॉट आ जाता है। देन आपके पास फरारी वर्ल्ड जो है एक स्पॉट है, इसमें आप दुनिया के सबसे बड़ी रोलर कोस्टर की राइड एंजॉय कर सकते हैं। ये जो आपसे मैंने स्पॉट्स डिस्कस किए हैं ये यूए के वेल नोन स्पॉट्स हैं, इसके अलावा भी काफ़ी स्पॉट्स हैं जो कि लोग विजिट करते हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए आप मेरे इस दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।